दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आप अपने मोबाइल फोन को फुल रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे आप रीसेट करेंगे। यानी कि आपके पास कोई भी आपके पास फोन है, किसी भी कंपनी का फोन है और आप अपने मोबाइल फोन को फुल रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे आप कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा कि आखिरकार एंड्रॉयड फोन को फुल रीसेट कैसे किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये सैमसंग का फोन है, सैमसंग M31 है और हम अपने इस फोन को फुल रीसेट करना चाहते हैं तो कैसे हम कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में। यह है हमारा सेटिंग, हम इस तरीके से सेटिंग को ओपन करेंगे। और हाँ, अगर आप पेटीएम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और पेटीएम एप्लीकेशन से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। अब आपको जाना होगा मोबाइल फोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद इस तरीके से आपके फोन का सेटिंग ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहां पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहां पर आपको एक सेटिंग मिलेगा अबाउट फोन का, तो नीचे आते हैं, यहां पर मिल जाएगा अबाउट फोन और यहां पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगा रीसेट फैक्टरी डेटा। अगर आपको यहां पर ना मिले तो आपको जाना होगा सर्च बार में। सर्च बार में जाने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे रीसेट। जैसे आप टाइप करेंगे रीसेट तो आपके सामने यहां पर तीन सेटिंग आ जाएगा। एक आएगा रीसेट ऑल सेटिंग और एक आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग और एक आ जाएगा फैक्टरी डेटा सेटिंग। अब आपको यहां पर फैक्टरी डेटा सेटिंग पर क्लिक करना है। इस तरीके से आ जाएगा फैक्टरी डेटा रीसेट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको सारा डिटेल्स बताया जाएगा। जैसे कि आपको बताया जाता है ऑल डेटा विल बी इरेस्ड From your phone including your, यानी कि आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, जिसमें आपका गूगल अकाउंट, आपका ऐप्स का डेटा, सेटिंग हो गया, डाउनलोड ऐप्स एंड वीडियो, पिक्चर्स और म्यूजिक्स आपके हो गए, अदर्स डेटा हो गया, सर्विस हो गई आपकी, ये सारा कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने SD कार्ड डाल के रखा होगा तो वो भी आपका डिलीट हो जाएगा, यानी कि फॉर्मेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना सारा डेटा अपने दूसरे फ़ोन में ले लेना है, अगर आप अपने डेटा को डिलीट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपके पास कोई फोटो है, आपके सारे कॉन्टैक्ट नंबर हो गए, आपके सारे वीडियो हो गई, आपके सारे फाइल हो गई, आपके म्यूजिक हो गए, तो आप अपने दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र कर लें। जैसे हमारे पास एक और ये फ़ोन है, अगर हम इसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र करना चाहें तो हम कर सकते हैं, क्योंकि इस पर मैंने एक वीडियो बनाया था कि अपना डेटा ट्रांसफ़र कैसे करते हैं मोबाइल को रीसेट करने से पहले। तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, हमारा वीडियो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ पर आपको सारे अकाउंट आपको देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट, आपको रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे आप रीसेट पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर आपसे लॉक पूछा जाएगा, यानी कि आपको अपना पैटर्न डालना होगा। जो भी आपका पैटर्न लॉक हो, आपको यहां पर अपना पैटर्न लॉक डाल देना है। जैसे कि हम यहाँ पर पैटर्न लॉक अपना डाल देते हैं। जो हमारा पैटर्न लॉक है वो हमारा ये है, तो मैंने यहाँ पर पैटर्न लॉक डाल दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा फैक्टरी डेटा रीसेट और यहाँ पर आ जाएगा रीसेट ऑल डेटा। अब आप बस इस पर क्लिक कर दीजिए, आपका फ़ोन रीसेट हो जाएगा। हमें रीसेट नहीं करना है क्योंकि मैंने अभी 2 दिन पहले अपने फ़ोन को रीसेट किया था, तो आपको मैंने पूरा जानकारी दे दी है, पूरे डिटेल्स बता दिया है। जैसे आप रीसेट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको कम से कम 10 या आपको 15 मिनट का समय लगेगा, आपका फ़ोन पूरी तरीके से रीसेट हो जाएगा और फिर आपका फोन ऑटोमेटिक अपने आप ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना होता है, बस आपका जब फोन ओपन हो जाएगा तो यहां पर आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है और इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और आपका फोन पूरा नया तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी फोन को फुल फॉर्मेट या फुल रीसेट कर सकते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ, पेटीएम से पैसा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाद में उसे जरूर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।